तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका अपना पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर। आज नवीं गाल है। आप फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे सैर उस सैहा का हुक्म दिया। कहते मैं एक शहर में पहुंचा तो क्यों हुक्म ये है सुफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है। आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं। अगर है तो उसकी ज़ियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है नहीं है तो फिर वहां जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई? हाँ। तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहाँ एक मर्द है। तो क्या नाचो भाई? जरा मुशक्कत है जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहाँ जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है। मौलवियों से पंगा नहीं है चंगा। माफ करना, गुस्से में दो दिन निकल जाता गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्त नहीं कोई भी उसमें, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया भाई। खैर अंदर गया, जाकर हजरत की कदम कोशी की, जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा। हजरत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुनना था अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकला ना तो हजरत भी उठे मुझे, पहले इधर मुझे किस किया, फिर इधर किस किया, फिर इधर किस किया, फिर जफ्फी डाल। जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाई टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात, पता नहीं। तो मैंने बड़े अदब से अर्ज़ की, हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है, तो मामला एक तो नहीं क्या? तो कहते रो पड़े। कहते फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था। ठीक है जी, गुरु पाने के लिए। तो हजरत जी चेक तो करते हैं ना, तो करना यानी जो है कि नहीं होगा, चेक तो किया जाता है ना, फिर बातें बनती हैं, तो नहीं बन जाती है। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तफक्कुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी रूस आदमी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शेवत का कि अकली मारी गई हो भाई, इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई? वुमेन टाइम पे आना है ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह वाह बेटे शाय कोई नहीं, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरा पीछे, ओए यारी साडे नाल ते जांदे गैरा पीछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बड़ा था, मैंने अपने हाथ से काट दिया। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बड़ा था, मैंने अपने हाथ से काट दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।